दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में पड़ी हुई बिलीव्स ही कई बार आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल बनती है। यही बिलीव्स आपकी लाइफ में आपको धनवान बनने से रोकती है। कई सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में पैसे नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन मन में ये बिलीव्स पड़ी होती है। मैं शक्तिपाल गोड़ा, सेल्फ लव कोच, NLP कोच, आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं ऐसी 3 बिलीव्स के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर आपके अवचेतन मन में है तो आप पैसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं ये बिलीव्स कौन सी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहली बिलीव, कई सारे लोग समझते हैं कि यूनिवर्स में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है और लिमिटेड ही धन है, और जो यूनिवर्स है वो कुछ ही लोगों को धनवान बनाती है। ऐसे लोग कटथ्रोट कॉम्पिटिशन में बिलीव करते हैं, ऐसे लोग स्ट्रेस की ज़िंदगी जीते हैं और ऐसे लोग हमेशा एक लिमिटेड लाइफ को ही एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस उनके मन में है, उनके अवचेतन मन में, और उन्हें ऐसे लगता है कि यूनिवर्स में भी सब कुछ लिमिटेड है, जबकि ये सही नहीं है। यूनिवर्स में हम सभी के लिए पर्याप्त है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, और जब तक हम अपने अवचेतन मन को नहीं खोलेंगे हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी ये बिलीफ है तो इसे आज ही आप बदल दीजिए। दूसरी बिलीफ, कई सारे लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास पहले से पैसा हो। रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर। ऐसे लोग को ये लगता है कि अगर मेरे फादर या ग्रैंडफादर या फोर फादर्स के पास पैसा है तो ही मैं पैसे वाला बन सकता हूँ। अगर मैं कोई पुअर या मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ तो पैसे अट्रैक्ट करना मेरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहाँ पे लोग बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आए हुए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लाइफ में एक मुकाम को पहुँचे हैं। वो उन्होंने लाइफ में एक पॉपुलैरिटी, फेमस, एक फेम को और एक बहुत ही हाई लेवल के रिचनेस को अट्रैक्ट किया है, और वो आज अपनी लाइफ को बहुत ही किंग साइज्ड वे में जी रहे हैं, एक अबंडेंट लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि उनकी फैमिली बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से रह चुकी है। तीसरी बिलीफ, कई सारे लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि जब पैसा आएगा तो पैसा अपने साथ ईविल्स को भी लेके आएगा, माने कि जब पैसा आएगा तो बीमारियां भी आएगी, रिश्ते खराब होंगे, और इसी बिलीफ के कारण वो डरते हैं पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके अनुभव में ऐसे कई बार लोग आते हैं जिन्होंने पैसे कमाए हैं लेकिन जैसे ही वो रिच बनते हैं तो उनके लाइफ में इलनेसेस आती है, डिसीजेज आती है या उनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ वेल्थ मास्टरी की है, जिनकी वेलनेस मास्टरी नहीं हुई है, रिलेशनशिप मास्टरी नहीं हुई है, जिन्होंने अपने माइंड को मास्टर नहीं किया है। लेकिन जो इंसान अपने माइंड को मास्टर करते समझ गया है, सीख गया है, जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना जान लिया है, वो इंसान एक होल एंड कंप्लीट लाइफ एक्सपीरियंस को ही जीता है। जब ऐसे लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो पैसा उनकी ज़िंदगी को बेहतर ही बनाता है, साथ ही साथ उनके सेहत और रिश्ते भी बहुत ही मधुर और अच्छे बनते हैं। तो पैसा एक न्यूट्रल एनर्जी है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो पैसा अपने साथ ईविल नहीं लेके आता, बल्कि ये हमारी सोच ही है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि पैसा अपने साथ ईविल्स लेके आता है। तो अगर आप में से किसी की भी माइंड में, किसी के भी माइंड में ये कोई भी बिलीव पड़ी है तो आज आप इसे बदल देना और आप देखेंगे कि आपके रास्ते सब खुलेंगे और आप अपने लाइफ में अबंडेंस और रिचनेस को अट्रैक्ट करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।